जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो डायमीटर लगा है, स्पॉट लगा है और ओवरहेड शावर लगा है। ये सब चीज़ की हाइट के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि फ्लैश कॉक, बीप कॉक, बेसिन, ये सब का हाइट कितना आता है, कंसीलेड हाइट वो कितना आता है, मैं आज आप लोगों को सब बताने वाला हूँ। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा प्लम्बिंग का हाइट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यार, अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना, क्योंकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक करना तो मत भूलना, लाइक करो। आप लोग देख सकते हो डायमीटर लगा हुआ है, डायमीटर का काम है हॉट वाटर और रेगुलेटर को मिक्सिंग करना। और ये नीचे देख रहे हो ये स्पाउट है, स्पाउट का जो हाइट होता है नीचे फ्लोरिंग से, ये 24 इंच स्टैंडर्ड लेवल होता है। कोई कोई जगह में 30 इंच रखना पड़ता है, इसीलिए कि आर्किटेक्ट का प्लानिंग के हिसाब से या क्लाइंट के हिसाब से 30 इंच रखना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग 24 इंच से लेकर 30 इंच के अंदर अंदर स्पाउट का हाइट रखो तो स्टैंडर्ड लेवल माना जाता है। और ये डायमीटर का हाइट 36 इंच जो है स्टैंडर्ड लेवल है, इसमें बूढ़े बच्चे सब आ जाते हैं। अगर क्लाइंट पर्सनल यूज करना चाहते हैं तो आप लोग 42 इंच रख सकते हो। तो 36 से लेके 42 इंच के अंदर अंदर डायमीटर का हाइट रखना है, ये स्टैंडर्ड लेवल माना जाता है। और मैं आप लोग बता देने वाला हूँ ओवरहेड शावर का। ओवरहेड शावर जो है आप लोग 6 फीट 9 इंच में रखना है, यानी कि 81 इंच से लेके 7 फीट के अंदर अंदर आप लोगों को रखना है। अगर सेलिंग शावर आए तो सीधा सेलिंग में उठा लो। तो चलिए मैं आप लोगों को डायमीटर के बारे में बता देता हूँ। डायमीटर का हमेशा लेफ्ट साइड से हॉट वाटर लाइन कनेक्शन होता है, और राइट साइड से हमेशा रेगुलेटर लाइन कनेक्शन होता है, ऊपर शावर नीचे स्पाउट। ये डायमीटर के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ, डायमीटर कैसे फिट किया हूँ अगला वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। फ्रेंड्स ये रहा वालहंग WC का फ्लैश कॉक एंड बीप कॉक। बीप कॉक का हाइट जो है आप लोगों को 14 इंच से लेके 18 इंच के अंदर अंदर रखना है, यानी कि 14 इंच से लेके 18 इंच के अंदर अंदर आप लोगों को रखना है। और ये जो इसका ऊपर देख रहे हो ये फ्लैश कॉक है, फ्लैश कॉक का हाइट हमेशा 24 इंच से लेके 28 इंच के अंदर अंदर रखना है, 28 इंच से हाइट होना नहीं चाहिए। और इसका जो वालंग WC जहाँ पे लगता है वहाँ से दीवार से जो इसका डिस्टेंस होता है ये है 28 से लेके 30 इंच के अंदर अंदर आप लोगों को रखना है, यानी कि 28 रख सकते हो, 29, 30 भी रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस माना जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बेसिन के बारे में बता देता हूँ। बेसिन का जो हाइट होता है वो 32 इंच से लेके 35 इंच के अंदर अंदर होता है। और बेसिन का जो कंसीलेट हाइट होता है, अगर बोटल ट्रैप लगे तो 21 इंच वेस्ट पाइप का हाइट सेंटर होता है। अगर आप लोग है बेसिन का जो है 18 इंच से लेके 21 इंच के अंदर अंदर हाइट रख दोगे तो बेसिन का आ जाएगा। ये है रहा कोमट वालंग WC, इसका हाइट आप लोगों 8.5 से लेके 10 इंच के अंदर अंदर रखना है। अगर आप लोग 8.5 इंच रखते हो तो कोमट का हाइट 16 आएगा, अगर 9.5 रखते हो तो कोमट का हाइट 17 आएगा, अगर आप लोग 10 इंच रखते हो तो कोमट का हाइट 17.5 आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कोमट में। ये रहा कोमट, कोमट का हाइट 17 इंच है, इसीलिए कि मैं 9.5 इंच में कोमट का हाइट कंसीलेट जो बैंड का हाइट था वो रखा था, तो इसीलिए 17 इंच हाइट आया है। फ्लोरिंग से जो यूरेनल का हाइट स्टैंडर्ड हाइट माना जाता है वो 25 इंच से लेके 27.5 इंच, यानी कि 27.5 इंच, 25 इंच से लेके 27.5 इंच तक स्टैंडर्ड हाइट माना जाता है यूरेनल का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ के जाओ मेरे लिए, मैं आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार में रहूँगा। और जो आप लोग ये देख रहे हो चिल्ली कलाम से मैंने काम किया हूँ, इस अगला वीडियो जो मैं YouTube में अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ये चिल्ली कलाम मैं कैसे फिट किया हूँ इसके बारे में मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखना, क्योंकि मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखे हो तो नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो सबसे पहले। ये चिल्ली कलाम मैं कैसे फिट किया हूँ अगला वीडियो, उसी बारे में मैं बताने वाला हूँ, पूरा डिटेलिंग में बताऊँगा। और प्लम्बिंग के बारे में मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और मैं यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ यार, कुछ भी गलती हो तो मेरे को ज़रूर बोलना, मैं वो सुधार लूँगा। और आप लोगों से भी मैं कुछ सीखने के लिए आया हूँ, मैं कुछ गलती करूँगा तो आप लोग कमेंट में बताओगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर आप लोग मेरा वीडियो में तारीफ़ करते हो तो मेरा सीना और भी चौड़ा हो जाता है। तो चलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, गुड बाय यार।